गाइस इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारी साउथ फिल्में चल रही हैं, जिनमें कियान विक्रम स्टार फिल्म थंगलान, मिस्टर बच्चन और डबल स्मार्ट जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें इन सभी फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के दूसरे दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के तीसरे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं राम पोथी नैनी स्टार फिल्म डबल स्मार्ट के बारे में। आपको बता दें ये एक एक्शन साईफाई थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें राम पोथी नैनी, काव्या थापर, संजय दत्त, विशु रेड्डी, विली जोजो, विजय बनी और सियाजी संजय जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन पूरी जगन्नाथ ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 की बेहद ही घटिया रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 7,35,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी अपने पहले शुक्रवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2,25,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म डबल स्मार्ट का टोटल 2 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9,60,00,000 रुपए का हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म डबल स्मार्ट ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 14,50,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के तीसरे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने तीसरे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वहीं बात की जाए रवि तेजा स्टार फिल्म मिस्टर बच्चन के बारे में। आपको बता दें ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1800 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें रवि तेजा, भाग्यश्री बोरसे, अभिमन्यु सिंह, जगपति बाबू, सचिन खेड़कर और सुलेखा सुधाकर जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 9.4 आउट ऑफ 10 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 5,25,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया था, जिसमें इस फिल्म के पेड रिव्यू भी शामिल हैं। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी अपने पहले शुक्रवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,75,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म मिस्टर बच्चन का टोटल 2 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म मिस्टर बच्चन ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 10 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के तीसरे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने तीसरे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3,50,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही सब बात कर लेते हैं कियान विक्रम स्टार फिल्म थंगलान के बारे में। आपको बता दें ये एक एक्शन फैंटेसी थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 5,000 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें विक्रम मालविका मोहनन, पार्वती थिरुवति, डेनियल चिनगरीन, प्रीति करण और पशुपति जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन रंजीत ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 13,30,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी अपने पहले शुक्रवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4,50,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म थंगलान का टोटल 2 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17,80,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के रेंज बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म थंगलान ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 25 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के तीसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने तीसरे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 7 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है।
वैसे गाइस आपको फिल्म डबल स्मार्ट, मिस्टर बच्चन और थंगलान में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।